Subscribe to MKJain classes and press the bell icon for latest updates. टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की बात हम करेंगे. देखिए, दो तरह के, जब कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो दो तरह के बॉन्ड है, वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड अनदर इज पाई बॉन्ड. तो आज का जो टॉपिक हम फोकस करेंगे वो सिग्मा और पाई बॉन्ड के ऊपर फोकस करेंगे. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड अनदर इज पाई बॉन्ड. अब दोनों बॉन्ड में डिफरेंस क्या है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उस पर हमको फोकस करना है. सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय कोएक्सियल ओवरलैपिंग. कोएक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि व्हेन ऑर्बिटल्स लाइज ऑन एक्सिस, ये एक एक्सिस है और इसके ऊपर ऑर्बिटल्स अगर मिल रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म. दोनों बॉन्ड को अगर हम साथ में देखेंगे तो कंपेयर करने से हम बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे. पाई बॉन्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग, और इन अदर वर्ड्स ये एक एक्सिस है और मान लीजिए ये भी एक एक्सिस है, तो ओवरलैपिंग पैरेलल टू एक्सिस, दिस इज कॉल्ड साइज वाइज ओवरलैपिंग. तो सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय कोएक्सियल ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग. तो डेफिनेटली अगर आप किसी भी चीज को एक्सिस पे ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा होगा. इफ द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर देन कीप इन माइंड, तो आप ध्यान रखिए अगर ओवरलैपिंग ज्यादा है तो स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी बॉन्ड की. अब पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैपिंग है तो डेफिनेटली इसमें ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम चाहिए और ये बॉन्ड थोड़ा सा वीक होगा. नाउ सिग्मा बॉन्ड्स डायरेक्शनल बॉन्ड हैं जबकि पाई बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होता है, क्योंकि जिसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है उसका स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा होता है, जिसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं होता है उसका स्ट्रेंथ कम होता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑर्बिटल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉन्ड्स. अदरवाइज आप मेरे से जब ऑर्बिटल की बात करेंगे तो एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल, पी ऑर्बिटल इज डायरेक्शनल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑर्बिटल्स, मैं बात कर रहा हूँ बॉन्ड्स की. तो सिग्मा बॉन्ड्स डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल. सिग्मा बॉन्ड्स SS के कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं, S और P ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं, P और P ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं, लेकिन बाय कोएक्सियल ओवरलैपिंग. ठीक है, एन ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, कीप इन माइंड वो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं होगा, एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं होगा. नाउ पाई बॉन्ड टेक पार्ट इन रेजोनेंस, लेकिन सिग्मा बॉन्ड कभी भी रेजोनेंस में पार्ट नहीं रहता है. हाँ, सिग्मा बॉन्ड समटाइम्स हाइपर कॉन्जुकेशन में पार्टिसिपेट करता है, जिसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं. तो दिस इज दिस सिग्मा बॉन्ड डू नॉट पार्ट इन रेजोनेंस बट मे बी पार्ट इन हाइपर कॉन्जुकेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस, दे टेक पार्ट इन रेजोनेंस. सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन अलाउड होता है बट डबल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, यहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है. मैक्सिमम ओवरलैपिंग इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जब ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एंड जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो लेस रिएक्टिव, लेकिन जस्ट इसका रिवर्स, पाई बॉन्ड मिनिमम ओवरलैपिंग, वीक बॉन्ड एंड मोर रिएक्टिव. सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई बॉन्ड एनर्जी चाहिए, जबकि इसको ब्रेक करने के लिए लो बॉन्ड एनर्जी चाहिए. एंड लास्ट, ये इंडिपेंडेंट होता है, मीन्स किन्हीं भी दो एटम के बीच जो पहला कोवेलेंट बनेगा ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद जो बॉन्ड बनते हैं डेट इज कॉल्ड व्हाट, पाई बॉन्ड. इसलिए मैं हमने वहां पर लिखा है कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनता है. जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज सिग्मा, इसके बाद जो बना है डेट इज पाई. तो पाई बॉन्ड इज फॉर्म आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड. तो सिग्मा और पाई बॉन्ड के अंदर ये कंपेरिजन आपको टोटल कंप्लीटली आना चाहिए, तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और इनके प्रॉपर्टीज को आप कर पाएंगे. थैंक यू सो मच.